इस तरह की लिए और अम्मा जब बीमार हो जाती उन्हें देख के मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है तो खैर ये हुआ सीन्स और और था। था, exactly, exactly. हाँ. थे जो हमने मैंने और मुनीब ने भी कुछ सीन्स वहां बैठ के खैर डायरेक्टर की हम बहुत ज्यादा हमारे आ, उनकी इनपुट थी उन्होंने वहां बैठ बैठ के बहुत सारी चीजें मुनीब की बहुत ज्यादा टॉक्सिक साइड दिखाई हुई थी वो तो हमने अभी उसको थोड़ा सा ना कूल डाउन किया कि अभी, ये तो कूल है। अभी ही किया हुआ जो okay. हमने रीराइट किया है मैं अपना तो खैर नहीं कहूंगी मुझे तो थोड़ा सा भी होता था मैं हुँ. जाती थी सर ये 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 देखिए इसके साथ कर रहा है ये सही है सही तो वो कहते थे कि नहीं ये इतना है लेकिन मैं इसको कम कर दूंगा हुँ. जैसे एक सीन था वो जिसमें जूते उतार रही उसके मुझे लगता है कि वो एक ना दिखाने वाली चीज थी लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक स्टोरी ही उस तरह से लेकर चल रहे हैं तो वो फिर उन्होंने जब दिखाया तो मैं, मैंने मैंने कहा मतलब तो हाँ ये करना है और ये दिखाना पड़ेगा बिकॉज फिर उसको एंडिंग अगर उस तरह की हमने दिखानी है ना कि उसको पछतावा है या उसके साथ ये उसको छोड़ के चली गई जो भी एंडिंग होगी मैं बता नहीं रही हूँ <laughs> जो भी एंडिंग होगी हाँ. तो उस हिसाब से अभी इसके साथ इतना होना चाहिए तो खैर मैंने कहा ठीक है बिकॉज मैं प्रोजेक्ट साइन कर लेती हूँ तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कंप्लीट करूं बिल्कुल बिल्कुल यू नो डायरेक्टर की कॉल है कि वो क्या चाह रहे हैं बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब जो भी एस्ट्रा का कैरेक्टर है और जैसे उसका होना चाहिए मिसकीन सी ही लड़की है ना जो प्यार है लेकिन अब माँ ने एक दफा कह दिया कि की भाओ और अपना घर बसाओ जो भी हो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मुंह धुला हुआ है तो तुम्हारा कसूर है तो मियाँ तो तुम्हें नहीं होगा अट्रैक्ट नहीं होगा तो जो अम्मा जब उसे देख लेती हैं किसी और लड़की के साथ तब भी वो यही यही कह रहे हैं अम्मा ज्यादा टॉक्सिक है अम्मा भी टॉक्सिक है मतलब <laughs> हस्बैंड तो टॉक्सिक है ही सो है लेकिन अम्मा भी काफी माशाल्लाह से टॉक्सिक बस वो चाह टॉक्सिकाहिए रही है कि ये रिश्ता किसी ना किसी तरह से चल जाए हाँ ये घर ना आए और एक ही बेटी है तो मे भी उन्हें लग रहा है कि वो अनमोल वाई डू थिंक शिदत जैसे ड्रामे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मर्द इतना जुल्म कर रहा है और यहाँ पे इमोशनल अब्यूज की बात है बिकॉज वो ये कहती भी है कि अच्छा मारता तो नहीं है कभी हाथ नहीं उठाया तो ये इमोशनल और मेंटल अब्यूज है ऐसे ड्रामे क्यों इतने पॉपुलर होते हैं इनकी रेटिंग्स क्यों आती हैं

दे हैप्पी और उनकी शादी हो गई है जो भी मुझे लगता है कि वो लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखेंगे नहीं करते क्योंकि हमारे पास अब कंटेंट हमारे पास कम है आप दूसरी अगर देखें दूसरी जगह आ, दूसरी कंट्रीज से हॉलीवुड से बॉलीवुड से तो उनके पास इतना ओटीटी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि हमारे पास अगर कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा ना तो ऑडियंस नहीं देख रहे तो उसकी वजह से मुझे लगता है फिर प्रोड्यूसर्स

feel feel like like you you know it's it 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 makes me feel happy actually you like yes, it, passion I'm enjoying it, yes हाँ. um, this is not something I would say अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगी अगर मैं नहीं करूंगी मैं तब भी खुश रहूंगी बट दिस इज समिंग जो मुझे खुशी मिलती है करके बिल्कुल तो सोर्स ऑफ हैपीनेस कह लें एक, hmm. जब मैं सेट पे होती हूँ टोटली डिफरेंट पर्सन की मैं एक अलग ही पर्सनैलिटी होती hmm. है hmm. तो मुझे मजा आता है और आ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादातर कि मुझे फैमिली को भी आ, फादर का थोड़ा सा होता है कि वो ज्यादा कहते हैं कि सारा टाइम शूट पे रहती और टाइम नहीं मिलता बिकॉज जब हम ड्रामा शूट कर रहे होते हैं तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं और कभी कभी तो रात के तीन चार इवन सिक्सटीन आवर्स तो

तो मेरे लिए तो एक ये था ना कि बस मैं कैमरे के सामने रहूं hmm. और चलो मैं रेडी हो गई हूँ hmm. hmm. like एक hmm. करने की और वो चाह आपकी दिन ब दिन बढ़ती है hmm. आप कहते हैं कि आप कुछ और करें कुछ और करें hmm. तो पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था मेरा शौक पूरा हो जाता था जब मैं सेट पे जाती थी नो मैटर कि मैं लीड पे हूँ या मैं साइड पे हूँ बट

बार बार मिलती है और बाकियों के लिए मुश्किल होता है आ, अच्छा प्रोजेक्ट निकालना या मिलना क्या डायनामिक हमारे, हमारे है, है? Yes. Um, मैंने कहा है अभी, कि मैं अभी जब काम करती हूँ मुझे शौक होता है लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं अगला प्रोजेक्ट और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब मुझे बस इसी बड़े एक्टर के साथ काम करना है वरना मुझे नहीं करना बिकॉज मेरा जो शौक है वो शौक पूरा हो रहा है और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे लगता है मैं उसका फल मुझे मिल रहा है और जितने भी हमारे अभी यंग लॉट है या फिर सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा टाइम लगाया है जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं आयजा के बारे में बात करें उन्होंने आठ दस साल मेहनत की है अदर डे शी वाज़ टेलिंग मी में तुमने तो अभी स्टार्ट किया और मुझे तो इतना टाइम लगा मोल yeah, yeah. और हमें तो लीड पर आना ही एक मुश्किल काम होता था, भी था भी। कि बड़ा एंड देन